नमस्कार, एक बार फिर से गुरुकुल धाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज की क्लास में हम जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हम कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की बात कर रहे थे। हालांकि जानकारी के लिए बता दूं, जीन प्याजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो कोलबर्ग से पहले दिया था। हालांकि ये थोड़ा सा डिटेल से हम चर्चा करेंगे, इसलिए हमने पहले कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा की थी और वहाँ हम कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कल की क्लास में पढ़ के आए हैं कि किस प्रकार से कोलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर में बात की है कि बच्चों में किस प्रकार से नैतिक जो नियम है उनका जो है विकास होता है, किस प्रकार से वो नैतिकता के बारे में जानता है, किस प्रकार से रीति रिवाज है, सामाजिक नियम है वो समाज से सीखता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जीन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें। हालांकि जो भी हम इस समय सिद्धांत पढ़ रहे हैं इनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखिए, बिना समय गवाए मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जीन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की। तो आप लोग ध्यान से जो है वो थोड़ा सा सुने, धैर्य के साथ अगर सुनोगे तो ये 20-25 मिनट की जितनी भी क्लास होने वाली है इसके बाद नैतिक विकास से संबंधित जो है वो जीन प्याजे को लेकर के कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ने से पहले। जीन प्याजे ने जो है वो साक्षात्कार जो विधि है, हम बात करें इंटरव्यू मेथड जो है उसको अपनाया था। ठीक है, साक्षात्कार में बच्चों से कुछ प्रश्न है वो जीन प्याजे ने पूछे थे। तो प्रश्न पूछने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि उन्होंने लगभग जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके ऊपर है वो स्टडी की थी, अध्ययन किया था और उसके बाद जो है वो नैतिक विकास के बारे में जीन प्याजे ने बताया है। तो थोड़ा सा यहाँ आप लोग ये जानने की कोशिश करें, समझें कि जीन प्याजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, है ना, कितनी अवस्थाएं बताई है। तो उन्होंने दो प्रकार की अवस्थाएं बताई, एक प्रकृति के आधार पे, एक आयु के आधार पे। तो दोनों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि उन्होंने अपनी बच्ची, अपनी पुत्री जैकलिन पे जो है वो प्रयोग किया। ठीक है, ये जीन प्याजे की पुत्री थी जैकलिन। इसके साथ साथ और बातें करें हम तो लॉरेंट और ल्यूसियन जो थे उनके ऊपर भी जीन प्याजे ने है वो नैतिक विकास का सिद्धांत देने से पहले जो है वो अध्ययन किया था। इस प्रकार से ये अध्ययन करने के बाद जीन प्याजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इसमें उन्होंने जाना साक्षात्कार विधि। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप, साक्षात्कार विधि जो है इसके द्वारा जो है बच्चे के नैतिक विकास की इन्होंने चार अवस्थाएं बताई है। तो कई बार सीधा सा ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, जीन प्याजे ने जो नैतिक विकास की चार अवस्था बताई वो कौन सी विधि पर आधारित है, तो वो साक्षात्कार जो विधि है इस पर आधारित है। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी 1932 में जो है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, इसका मतलब 1932 में जो है वो जीन प्याजे ने है वो नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था। तो द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड है, ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा भी जीन प्याजे ने, आप लोगों ने थोड़ा बहुत जीन प्याजे को पढ़ा है तो ये जानते होंगे कि जीन प्याजे ने लगभग 32 पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें से एक दो मुख्य जो इनकी बुक है वो है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, थोड़ी सी ये दोनों बुक भी इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखें, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। यहां अगर आप ध्यान रखें द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड है, इसका आपको नाम याद रखना है बुक का, नैतिक विकास से संबंधित जब हम बात करते हैं बाल चिंतन की भाषा। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस भी इनकी पुस्तक है, जीन प्याजे की है ये भी, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से ये तीन जो इनकी बुक है वो काफी मैं कहूंगा प्रसिद्ध है। तो सबसे प्रसिद्ध जो बुक है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932, इसको आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी इनकी प्रसिद्ध बुक है, लेकिन ये तो आप याद रखें ही रखें। तो द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड है जो 1932 में लिखी गई, इसमें इन्होंने बच्चे की नैतिकता के बारे में, बच्चे कैसे सोचते हैं और वे दो अलग अलग अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। अब दो अलग अलग अवस्थाओं की मैं बात करूं तो यहाँ वो ये बात
कह रहे हैं जीन प्याजे कि वो प्रकृति के आधार पे जो अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हैं उसमें वो बात कर रहे हैं दो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। अब वो दो कौन सी अलग अलग अवस्थाएं हैं? तो एक अवस्था है प्रायत अवस्था, ठीक है, और दूसरी है स्वायत अवस्था। इनकी भी हम चर्चा करेंगे, प्रायत और स्वायत, ठीक है। नैतिक विकास की वो जो दो अवस्थाएं बताते हैं, दो अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, एक है प्रायत अवस्था, दूसरी है स्वायत अवस्था। प्रायत अवस्था है वो 0 से 8 या जन्म से 8 वर्ष तक, ठीक है, इसकी वो चर्चा करते हैं, जन्म से 8 वर्ष, और जबकि ये जो स्वायत अवस्था है ये है 8 वर्ष के बाद, यानी लगभग 9 वर्ष से शुरू होती है, तो 8 वर्ष के बाद। इस प्रकार से, हालांकि आगे हम इनकी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, प्रकृति के आधार पर मैं बात करूं तो जीन प्याजे ने द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड बुक में जो दो अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं वो है प्रायत अवस्था और दूसरी है स्वायत अवस्था, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम आयु के आधार पर अवस्थाओं की बात करें। अब एक चीज और बता देना चाहूंगा मैं, यहां थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार प्रायत अवस्था न देकर के दूसरे नाम दे दिए जाते हैं, और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके साथ ये समस्या भी रहती है। तो जो प्रायत अवस्था है ना, इसको नैतिक अवस्था के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, नैतिक अवस्था। प्रायत अवस्था का नाम क्या है? नैतिक अवस्था। नैतिक अवस्था मतलब नैतिक वास्तविक अवस्था जो है इसका पूरा नाम है, तो नैतिक वास्तविक अवस्था। प्रायत अवस्था का वो नैतिक वास्तविक अवस्था भी कहा जाता है, इसका मतलब एग्जाम में प्रायत अवस्था न देकर के नैतिक वास्तविक अवस्था या विधि बाध्य अवस्था, यानी यहां बाध्य होकर के बच्चा है वो नियमों का पालन करता है, या मैं कहूं दंड के आधार पे, तो इसलिए इसको दबाव की अवस्था भी कहा जाता है। दबाव में बच्चा है वो नैतिक नियमों का पालन करता है, इसलिए प्रायत अवस्था के ये अन्य नाम भी हैं। ध्यान से सुने, प्रायत अवस्था के ये अन्य कौन से नाम है? नैतिक वास्तविक अवस्था, ठीक है, नैतिक वास्तविक अवस्था, इसके साथ साथ विधि बाध्य अवस्था, इसके साथ साथ दबाव की अवस्था। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है इस प्रायत अवस्था में दूसरों से नैतिक नियमों को सीखता है। किससे सीखता है? दूसरे व्यक्तियों से, यानी अपने से बड़े लोगों से, माता पिता से नैतिक नियमों को सीखता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को प्रायत अवस्था कहा जाता है। जबकि जो ये स्वायत अवस्था है, कौन सी? जो स्वायत अवस्था है वह स्वायत अवस्था 8 वर्ष के बाद है, और यहां क्या होता है, बच्चे में सामाजिक चेतना आ जाती है, बच्चा तार्किक चिंतन के द्वारा, बच्चा तर्क वितर्क के द्वारा सही क्या है गलत क्या है उसको जान जाता है। इसलिए इस अवस्था को सामाजिक समझौता अवस्था, सामाजिक चेतना अवस्था, तार्किक चिंतन अवस्था भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम में सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध, एक ही बात है, समझौता अवस्था। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो सामाजिक चेतना अवस्था, सामाजिक चेतना अवस्था, इसके साथ साथ तार्किक अवस्था, क्योंकि बच्चा तर्क के द्वारा खुद है वो ये तय कर सकता है क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए तार्किक चिंतन के बाद जो है वो बच्चा सही और गलत का फैसला कर सकता है। तो प्रकृति के आधार पे, मैं यही आपको क्लियर कर देता हूं, प्रकृति के आधार पे जीन प्याजे ने दो अवस्थाएं बताई। प्रकृति के आधार पर जीन प्याजे ने दो अवस्थाएं बताई, और वो दो अवस्थाएं कौन सी बताई?
एक बताई प्रायत अवस्था और दूसरी बताई स्वायत अवस्था। प्रायत अवस्था का मतलब है जन्म से 8 वर्ष, यानी जन्म से जो 8 वर्ष है वो कौन सी अवस्था है, वो है प्रायत अवस्था। जबकि स्वायत अवस्था है 8 वर्ष के बाद या 9 वर्ष से शुरू होती है। और प्रायत अवस्था में जीन प्याजे क्या कहते हैं, जीन प्याजे कहते हैं कि यहां बच्चा अपने से बड़े लोगों से यानी दूसरों से नैतिकता के नियमों को सीखता है। अब देखिए यहां बच्चा शैशवावस्था और बाल्यावस्था में है, यहाँ स्वायत्त अवस्था में वो जो है 9 वर्ष के बाद, हम बात करें 12 साल के बाद किशोरावस्था में चला जाएगा, तो यहाँ बाल्यावस्था और किशोरावस्था का समय। तो एक बार आप याद करें, जब हम बाल्यावस्था किशोरावस्था को पढ़ रहे थे तो वहां भी अगर थोड़ा बहुत हमें उन विशेषताओं की अगर बातें याद हैं तो हम ये नैतिक विकास के सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। कोई इतना हम कहेंगे कि क्लिष्ट नहीं है, ये टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखो यहां हम बात कर चुके थे जब शैशवावस्था पढ़ रहे थे कि बच्चे में शैशवावस्था में नैतिक विकास नहीं पाया जाता, नैतिक और सामाजिक विकास का अभाव पाया जाता है। तो ठीक वही बात तो यहाँ जीन प्याजे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नैतिक वास्तविक अवस्था है, विधि बाध्य अवस्था है, दबाव की अवस्था है। यहाँ बच्चे को नहीं पता नैतिक नियम क्या है, वो नैतिक नियमों को अपने से बड़े लोगों से दूसरों से दबाव के कारण सीखता है, बाध्य होकर के उनका पालन करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है नहीं मानूंगा तो दंड मिलेगा, इसलिए। यानी उसको नहीं पता है, वो मानता है कि भगवान ने, ईश्वर ने ही बनाए ये नैतिक नियम जो समाज के द्वारा हमें पालन करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है प्रायत अवस्था। और स्वायत्त अवस्था यहाँ वो है, वो समाज के बारे में जान जाता है, वो नैतिक नियमों के बारे में जान जाता है, वो सही गलत क्या है तार्किक चिंतन के द्वारा जान जाता है। तो ये जो है वो स्वायत्त अवस्था उन्होंने नाम दिया। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं जीन प्याजे ने जो विकास की 4 अवस्था बताई आयु के आधार पे, थोड़ा ध्यान से सुने एक बार फिर। ये जो 2 अवस्थाएं उन्होंने बताई ये प्रकृति के आधार पे बताई है, प्रायत अवस्था और स्वायत अवस्था। अब जो हम बात करेंगे वो आयु के आधार पे करेंगे। और एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो यहां आयु के आधार पर जो बताई है, ये जो 4 अवस्थाएं बताई है जीन प्याजे ने, यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन 4 अवस्थाओं को आप ध्यान से सुने। तो आइए बढ़ते हैं आगे, आयु के अनुसार बात करें। तो सबसे पहले आयु के अनुसार हम बात करें, सबसे पहली जो अवस्था है आयु के अनुसार वो है प्रतिमानहीनता। प्रतिमानहीनता, और ये जो अवस्था है नंबर 1 हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिमानहीनता की। प्रतिमानहीनता ये जो अवस्था है ये जन्म से 5 वर्ष तक है। समय भी थोड़ा ध्यान रखें, कई बार सीधा सा प्रश्न है वो यहीं से एज से ही पूछ लिया जाता है। तो ये प्रतिमानहीनता है, ये जन्म से 5 वर्ष तक है। और इस समय बच्चा न तो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रतिमानहीनता ये जो अवस्था है, इस अवस्था में नैतिक नियमों के बारे में बच्चा नहीं जानता, नैतिक नियमों के बारे में बच्चा नहीं जानता। तो नैतिक नियमों के बारे में जब बच्चा जानता ही नहीं तो उसे पता ही नहीं है नैतिक नियम क्या होते हैं, नैतिक नियम क्या होते हैं। तो बच्चा नैतिक नियमों के बारे में नहीं जानता है, ये हमें याद रखना है। कौन सी अवस्था में? प्रतिमानहीनता में। तो यहां फिर बच्चा किसके बारे में जानता है? यहां बच्चे को सुख और दुख है वो उसके नैतिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ सुख और दुख जो शब्द है वो याद रखना, जीन प्याजे ने सुख और दुख के आधार पर जो है वो बताया है कि किस प्रकार से सुख और दुख है, वही जो है उसके हम कहेंगे नैतिकता को समझने के लिए जरूरी है। जो कार्यों से उन्हें सुख प्राप्त होता है और जिनसे दुख प्राप्त होता है, तो वही उसके व्यवहार को है, बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो हमें याद रखना है प्रतिमानहीनता जो 1 नंबर की अवस्था बताई आयु के आधार पे जीन प्याजे ने, उसमें ये कहा है। देखिए पहली बात, ये जन्म से 5 वर्ष तक है, और जन्म से 5 वर्ष है इसका मतलब शैशवावस्था में बच्चा है, और शैशवावस्था में बच्चा है तो शैशवावस्था में बच्चे में नैतिक और सामाजिक विकास नहीं पाया जाता। यही बात है वो प्याजे कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ नैतिक विकास बच्चे में नहीं होता। बच्चा जो है सुख और दुख के आधार पे जो है उसके व्यवहार को सुख और दुख नियंत्रित करते हैं। आइए नंबर 2 अवस्था की बात कर रहे हैं हम, प्रायत सत्ता। दूसरी कौन सी है? प्रायत सत्ता। 5 से 8 वर्ष, 5 से 8 वर्ष समय है इसका। और इसमें जीन प्याजे क्या कहते हैं, प्राधीनता प्राधिकार भी कहा जाता है इसको।
ठीक है, प्राधीनता प्राधिकार दूसरा नाम है। और इस अवस्था में बच्चा बाहरी सत्ता से नैतिकता, ठीक है, बाहरी सत्ता से ये नैतिकता है, बाहरी सत्ता से नैतिकता के नियमों को सीखता है और इसके अनुसार पुरस्कार और दंड नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। वहां देखो सुख और दुख की बात कर रहे थे हम, यहां हम बात कर रहे हैं पुरस्कार और दंड की। यानी बच्चा जो है बाहरी सत्ता का मतलब है वो अपने से बड़ों के द्वारा, जो अब अभी थोड़ी देर पहले हम प्रकृति के आधार पर बात कर रहे थे, तो अपने से बड़ों के द्वारा जो है वो नैतिक नियमों को सीखता है और ये नैतिक नियम जो है वो पुरस्कार और दंड पर आधारित होते हैं। उसको पता है कि समाज में मैं अगर परिवार में जहां मैं रह रहा हूं वहां समाज के जो नियम है वो मुझे मानने ही होंगे, वो मैं अगर नहीं मानूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, इसलिए मुझे वो मानने पड़ेंगे। बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको पता है टीचर जो कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, उनकी बात को मानना पड़ेगा वरना अध्यापक पिटाई कर देंगे। इसी प्रकार से माता पिता के द्वारा जो भी कहा जाता है उसको पता है कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा वरना माता पिता हमारी पिटाई कर देंगे। और ये जो नियम है वो नियम क्या है, सामाजिक नियम है। तो यहाँ पुरस्कार और दंड जो है उसको प्रभावित करते हैं। दूसरी अवस्था में जीन प्याजे ने ऐसा बताया। आइए बढ़ते हैं आगे। तीसरी जो अवस्था है वो प्रायत पारस्परिकता। अब पारस्परिकता से स्पष्ट हो रहा है कि आपस में सहयोग से, मित्र मंडली से, मतलब समूह से जो है वो बच्चा सीखता है ना। तो यहाँ सहयोगी नैतिकता है वो पाई जाती है। कौन सी नैतिकता पाई जाती है? सहयोगी नैतिकता यहाँ पाई जाती है। तो सहयोग के द्वारा जो है वो बच्चा यहाँ सीखता है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। किसके द्वारा सीखता है बच्चा? बच्चा सीखता है यहाँ सहयोग के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहां प्रायत पारस्परिक है, ये अवस्था 9 से 13 वर्ष तक है। थोड़ा सा ये पहले ध्यान रखें, 9 से 13 वर्ष। और नैतिकता नैतिकता या नैतिक विकास की, ये नैतिक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। नैतिक विकास की इस अवस्था को पारस्परिक आदान प्रदान की अवस्था कहते हैं। पारस्परिकता नाम से स्पष्ट है, प्रायत पारस्परिकता, तो इसका मतलब इसको आदान प्रदान की अवस्था कहते हैं। प्याजे ने इसे सहयोगी नैतिकता कहा है क्योंकि आपस में आदान प्रदान के द्वारा जब बच्चा नैतिकता के नियमों को सीखता है और अपने समान आयु वर्ग के बच्चों से सीखता है और सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में भी वो जानता है। तो यहाँ क्या है, हम कह सकते हैं विद्यालय में, खेल के मैदान में, मित्र मंडली से जो बच्चा नैतिकता के नियम सीखता है अपने से समान आयु वर्ग के बच्चों से, आपसी मित्र मंडली से, तो यहाँ वो थोड़ा सही गलत के बारे में भी जानता है और वो उन्हीं से सीखता है। इसलिए इस अवस्था को जीन प्याजे ने नाम दिया प्रायत पारस्परिकता, यानी आपसी आदान प्रदान से बच्चा सीखता है, अपने समान आयु वर्ग के बच्चों से सीखता है और वही नैतिकता के जो है वो नियमों को वो फॉलो करता है, तो इसे कहा गया प्रायत पारस्परिकता, ठीक है। अगली अवस्था की बात कर रहे हैं हम, चौथी जो अवस्था है स्वायत्तता, 13 से 18। यहाँ स्वायत्तता से नाम ही स्पष्ट है कि अब वो खुद जान गया है, अब वो समाज के नियमों को खुद जानता है, क्या सही है क्या गलत है सही रूप में यहाँ जानता है वो सही गलत के बारे में। हालांकि मित्र मंडली से सीख रहा है वहां भी उसको सही और गलत की जानकारी हो जाती है, लेकिन सीधी सी हम बात करें, प्रश्न ये आए कि सही गलत के बारे में जानता है, वो समाज में नैतिक नियमों को परिवर्तन की बात भी करता है अगर लोगों का अहित हो रहा है, तो वो अवस्था कौन सी जिन प्याजे के अनुसार? तो वो होगी स्वायत्तता। तो ये किशोरावस्था का चरण है, वैसे भी 13 से 18 या 19 वर्ष तक किशोरावस्था चलती है, तो किशोरावस्था का चरण है। इसे नैतिक सापेक्षतावाद के रूप में भी माना जाता है या नहीं जाना जाता है, सापेक्षतावाद भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि इसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है और इसमें अपने व्यवहार के लिए वो पूर्ण जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब तर्क वितर्क सोचना समझना की उसमें क्षमता अगर जब हो जाती है तो उसके बाद जब वो ऐसा व्यवहार करता है तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। मान लीजिए यहाँ बच्चा अगर चोरी करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानता नहीं है, वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होता है, उसे पता है कि चोरी करना गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी क्षमता, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो गई है। अब वो चोरी करता है तो चोरी करना पाप है या चोरी करना पे दंड मिलेगा, है ना, ये सब बातें वो जान चुका है, उसे पता है कि मुझे सजा मिलेगी। अब वो चोरी करता है तो इसका मतलब वो जानबूझ के करता है, हम ये कह सकते हैं।
है ना, तो वो अपने स्वार्थ साधने के लिए करता है जब जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जो वो कोई भी कार्य करेगा ऐसा, तो उसके बारे में सोचने समझने की उसमें क्षमता विकसित हो जाती है और उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होता है, जीन प्याजे ऐसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आयु के आधार पे जीन प्याजे ने जो है ये चार अवस्थाएं बताई हैं, प्रकृति के आधार पे दो बताई थी, एक हम बात कर चुके हैं प्रायत नैतिकता, ठीक है, प्रायत नैतिकता की अवस्था जो 2 से 8 वर्ष, गलत लिखा है यहाँ, जन्म से 8 वर्ष है, थोड़ा टाइप करने में हो जाता है, तो जन्म से 8 वर्ष है ये, ठीक है, जन्म से 8 वर्ष, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि नैतिकता के नियम अपने माता पिता से सीखता है, दूसरों से सीखता है, इसलिए स्वीकार करता है कि वो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ने बनाए हैं और हमें इनको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो हमें दंड मिलेगा, इसलिए वो स्वीकार करता है और नैतिक नियम परिवर्तनशील नहीं है ये मानता है। तो ये बात हम पहले ही कर चुके, प्रायत अवस्था में वो ये नहीं जानता कि इन नियमों को बदला जा सकता है, और स्वायत्त अवस्था सहयोग पर आधारित है, नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, अगर वो गलत है तो उसको बदलना चाहिए, समाज में अगर लोगों का अहित हो रहा है इन नैतिक नियमों से तो उसमें बदलाव की आवश्यकता है, इस प्रकार से वो स्वायत्त में 8 से 11 नहीं है ये, 8 के बाद है, ये ध्यान रखना, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जीन प्याजे के नैतिक विकास की अवस्थाओं को हमने जाना, जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत हमने जाना, अब 2-3 बातें और जान लेते हैं। नैतिकता के स्तर जो है कई बार यहाँ से प्रश्न सीधे से पूछ लिए जाते हैं, नैतिक यथार्थता क्या है, नैतिक समानता क्या है, नैतिक सापेक्षता क्या है, तो थोड़ा ध्यान से सुने इसको। नैतिक यथार्थता का मतलब है बाध्यता स्वरूप नैतिक नियमों का पालन करना, यानी बाध्यता स्वरूप, बाध्य होकर के उसे पता है कि हमें ये करना ही पड़ेगा वरना जो है वो समाज से हमें दंड मिलेगा, यानी बाध्यता स्वरूप पालन करना। नैतिक समानता मतलब समवयस्क बच्चों के साथ अंतःक्रिया, जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि वो अपने समान वर्ग के आयु से सीखता है, तो समवयस्क बच्चों के साथ जो अंतःक्रिया करके जो नैतिक नियमों को स्वीकार करता है वो है नैतिक समानता, जबकि नैतिक यथार्थता बाध्यता स्वरूप नैतिक नियमों का पालन करना, और नैतिक सापेक्षता क्या है, बिना दबाव के नैतिक ताकि नियमों का अनुसरण करना है, नैतिकता का अनुसरण करना क्या है, नैतिक सापेक्षता है। तो इस प्रकार से साथियों हमने आज की क्लास में जीन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और जो बच्चे पूरा वीडियो नहीं देख पाए हैं वो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखें, इसके बाद जो है वो पूरा सिद्धांत है वो आपके क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में इससे प्रश्न आता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।